क्लास में पीठे की सब्जी बनाने वाली हो, इसमें कोई ऑयल या मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ ड्राई फिश से कुकिंग करना है। कैसे करते हैं आप लोग भी देखिए मेरे वीडियो को, इसमें बहुत टेस्ट होता है ड्राई फिश से बनाने में। कोई ऑयल या मसाला बिना डाल के भी खा सकते हैं हम पीठे को। देखिए अभी मैं इसको दो हिस्से में काट कर लेना है, काट नहीं हो रहा है, मेरा हाथ से थोड़ा सा फिसलते जा रहा है। मैंने थोड़ा जोर करने के बाद दो हिस्से में मैंने इसको बांट दिया है। इसके बाद में इसका छिलके निकालना है। छिलके निकालने से पहले मेरे अंदर का जो पीस है उसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि खाने के टाइम ये खा लिया तो अच्छा नहीं आएगा टेस्ट में। इसके लिए आप लोग अपना मर्जी से फिश कर सकते हैं, मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए इसलिए मैं मिडल में फिश रख रही हूँ। अभी फिश करने के बाद मैं इसको धोऊंगी। धोने के लिए नॉर्मल पानी ही चाहिए, गर्म कोई गर्म पानी नहीं चाहिए। इसको आप 2 या 3 बार धो लीजिए, उसमें से ही हो जाएगा। धो लेने के बाद अभी इसमें कोई ऑयल या मसाला नहीं डालना है, क्योंकि आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ड्राई फिश से कैसे बनाता है। ऑयल के बिना भी ये बहुत टेस्ट होता है, खाने में भी स्वाद आता है। ये रेसिपी आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कैसे बनाता है, आप लोग ज़रूर मेरे साथ दीजिए। ड्राई फिश धो लेने के बाद मैं पेठे के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं इसमें अभी। उसके बाद हल्दी भी डालना है। मिर्ची ने हम लोग लाल वाला लिया है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है। आप लोग चाहे तो हरे वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो तीखा चाहिए इसलिए हम लोग ने लाल वाला लिया है। मिर्ची को ग्राइंड कर लेने के बाद सब्जी में डाल देना है। मिर्ची डालने के बाद आग को ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, लो फ्लेम में ही रखना है, क्योंकि हम लोग इसमें लो फ्लेम में ही पकाऊंगे। आज 5 मिनट होने के बाद हम लोग ने खोलकर देखा तो बिल्कुल अंदर से पानी छूट चुका है, इसलिए हम लोग इसको चम्मच से ऐसे ही मिक्स करके जाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसा ही खाना बनने वाले हैं आज हम लोग का। अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने थोड़ा ढक्कन लगा दिया फिर से। इसके बाद ऐसे ही पकाना है 20 मिनट तक। थोड़ी देर के बाद फिर से खोल कर देखूँगी कैसे बना है। देखिए बिल्कुल पानी सूख चुका है, अंदर का जो पानी हुआ था। अभी ऐसे ही बनाने है, कोई यहाँ पानी ऐड नहीं करने के, क्योंकि आज बिना पानी के ऐसा ही बनाऊँगी। इसमें मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला था इसलिए मेरे को नमक टेस्ट करना पड़ेगा, नमक हुआ कि या नहीं। नमक होने के बाद अभी मैं इसमें कच्चा लहसुन डालूँगी, कच्चा लहसुन से अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसको ढक्कन दे दूँ, ये गिर गया। इसके बाद अच्छे से ढक्कन लगाना है, हो गया। मैंने नहा लिया है, अभी मैं खाना खाऊंगी। मैंने जो सब्जी बनाया सुबह के जो सब्जी बनाया था, ये भी बिना ऑयल का ही ये भी खाऊंगी मैं। टाटा।